काफी बड़ा एप्पल स्टोर है यहाँ पे। आ गया मैकबुक। सो कंफर्मिंग मैकबुक प्रो 14 इंच 83 GB है एंड अदर फाइल्स एंड फोल्डर 6। तो इसको कंटिन्यू करते हैं एंड मैकबुक प्रो करूँ। तो इससे पहले भी मैं कई बार पोर्टलैंड जा चुका हूँ, मैंने एक दो ब्लॉग नहीं बनाया होगा, बट सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं गया हूँ। इस बार भी सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट लेने के लिए जा रहा हूँ, एक दिन स्टे करूँगा। तो पोर्टलैंड यहाँ से है करीब थोड़ा बहुत ड्यूटी करके 200 माइल पड़ जाता है एंड 3 घंटा 3.5 घंटा लग जाता है वन वे, बट फ़ायदा बहुत है। इफ़ यू सी नो स्टेट टैक्स 10% जो यहाँ 9.99% एट लीस्ट वाशिंगटन स्टेट में है वो ज़ीरो है पोर्टलैंड में, बिकॉज इट्स इन ओरेगन स्टेट। सो दो ही स्टेट हैं, ओरेगन एंड न्यू हैम्पशायर, जहाँ पे बिल्कुल सेल्स टैक्स नहीं है। तो कोई भी महंगी चीज़ एप्पल प्रोडक्ट्स या फिर मतलब कुछ भी शॉपिंग करनी हो $1,000 की कितनी भी, तो बेस्ट है वहीं से करो। और यहाँ से तो अगर रेंटल कार भी लेके जाओ तो कितना पड़ता है, $50 अ डे एंड फ्यूल व्यूल जोड़ के 100 पड़ जाएगा। एंड अगर आप $2,000 से $3,000 की शॉपिंग कर रहे हो एंड यू आर पेइंग 10% सेल्स टैक्स इन वॉशिंगटन, देन यू आर लाइक स्पेंडिंग $200-$300 एक्स्ट्रा एंड $100 रेंटल कार का भी जोड़ दो और घूमना फिरना भी हो जाएगा उस हिसाब से भी सोचो, तो यू आर सेविंग दैट $100-$200 जो कि है करीब 15,000 INR, विच इज़ अ प्रीटी गुड सेविंग। तो इसलिए यहाँ से लोग प्रेफर करते हैं कभी भी महंगी शॉपिंग करनी हो, एप्पल प्रोडक्ट्स लेने हो, तो पोर्टलैंड जाके लिए जाएं। एंड ऑल्सो मैंने एप्पल एम्प्लॉय का भी डिस्काउंट लिया, बट दैट इज़ 15%। तो मैं बताऊंगा कि मुझे मैकबुक टोटल कितने का पड़ा ब्रेक डाउन करके। एप्पल का स्टोर है दैट इज़ इन पाइनियर प्लेस एंड वहाँ पे काफ़ी सारे शॉपिंग आउटलेट्स भी हैं, तो वो अब मैं पहुँचता हूँ दिखाऊँगा। मैं पहले भी वहाँ से एप्पल प्रोडक्ट्स उठाया पर वीडियो अभी बना रहा हूँ, अंदर से दिखाऊँगा मॉल कैसा है एंड एप्पल स्टोर किधर है। एंड मेरे पास क्योंकि पिकअप ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, क्यूआर कोड है, मुझे बस क्यूआर कोड दिखाना है, पेमेंट सब हो रखी है एंड पिकअप करना है। एंड एप्पल का ये अच्छा है कि मेरा जो पुराना मैकबुक है उससे ट्रांसफ़र बहुत इजीली हो जाएगा नए मैकबुक में। विंडोज़ में क्या है, हर कंपनी का अलग होता है। अब मैं सैमसंग का लैपटॉप लूँ और दूसरा लेनोवो का लूँ, उसमें फाइल्स ट्रांसफ़र करने में विंडोज सपोर्ट तो देता है पर क्योंकि हर कंपनी का थोड़ा अलग फॉर्मवेयर होता है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इट्स नॉट एज स्मूथ एज एप्पल, एप्पल का वही मॉडल, मतलब एप्पल का इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि आई नो इट्स ओवर प्राइस बट एप्पल इतना अच्छा सिंक देता है अपने सारे एप्पल प्रोडक्ट्स के बीच में, मतलब इट्स सो स्मूथ। पर इसको पता नहीं कैसे डिस्क्राइब करूँगा, बट मतलब अगर मेरे पास एप्पल आईपैड है, मैं नया आईपैड लेता हूँ, तो मुझे उसमें सिंक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आई क्लाउड से करूँ चाहे मैं लोकली सारी फाइल्स ट्रांसफर करूँ। एक तो ये साइंस सेंटर समझ नहीं आता, कोविड के नाम पे बंद हुआ था, खुला ही नहीं उसके बाद। आई थिंक वो वाली है, अच्छा सेडान दे दी, नहीं तो कई बार SUV दे देते हैं फालतू में पेट्रोल लग जाता ज़्यादा। निसान अल्टिमा एंड डैमेज देख लेता हूँ, ज़्यादा दिख तो नहीं रहा क्योंकि मैं रेंटल कार लेते वक्त कवर द कार वाली इंश्योरेंस नहीं लेता, बिकॉज माई क्रेडिट कार्ड कवर्स दैट, इसलिए मुझे पहले से कुछ सिग्निफिकेंट डैमेज नोट करना पड़ता है। अगर नहीं है तो बढ़िया है, तो मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा उनको कि यहाँ पे डैमेज है, तो वो नोट डाउन करके रख लेंगे कि मैंने नहीं किया, नहीं तो मेरे पास प्रूफ नहीं है, नहीं तो वीडियो बना लो पहले से कि हाँ ये डैमेज है पिकअप करते वक्त ही। मैं तब से स्टार्ट बटन ढूंढ रहा हूँ इधर था, तो इधर रेंटल कार लो ना तो हमेशा माइलेज और फ्यूल देखना पड़ता है। फ्यूल ऑलमोस्ट फुल से थोड़ा सा नीचे है एंड सर्विस भी ड्यू ना हुआ है, पर ठीक है। तो ये 464 माइल्स पे है, तो मैं इसको रिटर्न भी इसी के आसपास ही करूँगा। एंड क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो इसके पास जो एप्पल की लोकेशन है वो है पाइनियर प्लेस ही, एंड पास ये पाइनियर प्लेस मॉल है, तो यहाँ पे घूमने आ गए हैं क्योंकि बारिश से बचने का आज 100% रेन की प्रेडिक्शन है, तो यहीं पे देखते हैं। कुछ ज़्यादा कुछ घूमना फिरना तो नहीं हो पाएगा बाहर आउटडोर्स, तो देखते हैं यहाँ पे कौन
क्या कर सकते हैं, थोड़े बहुत कपड़ों की शॉपिंग कर लेंगे। एंड इस मॉल में सब कुछ मिल जाएगा, ज़ारा, H&M से लेकर लुई विटॉन, गुच्ची, सब प्रीमियम आउटलेट्स भी हैं और नॉर्मल गरीबों वाले आउटलेट्स भी हैं। एंड मूवी देखनी है तो रीगल भी है, रीगल सिनेमास, तो काफ़ी सही है ऐसे अंदर टाइम बिताने के लिए। मॉल पूरा तो मेरे बाहर दिख रहा होगा, ये कनेक्टेड एक्चुअली, ये जो ब्रिज दिख रहा है, ये जो ब्रिज दिख रहा है ये वाला, ये उधर बिल्डिंग है, बीच में रोड है, फिर इधर बिल्डिंग है मॉल की, तो दोनों साइड दुकानें हैं। तो पहले मेरे को मैं पहली बार गया था तो मुझे लगा कि सिर्फ एक तरफ ही है, पर अब पता चला कि हाँ दोनों तरफ है। एंड काफ़ी बड़ा, छोटा नहीं है। इवन जो H&M है उसका 3 फ्लोर है एंड काफ़ी वैरायटी है। ये तो काफ़ी सस्ती है, $13 की शर्ट अच्छी है। ये भी H&M की है, ये है, ये भी $13 की, इंटरेस्टिंग। एंड इतना बड़ा ये ज़ारा स्टोर, ज़ारा का स्टोर है, इतना बड़ा ज़ारा स्टोर सिएटल में भी नहीं है, सिर्फ एक फ्लोर है, मतलब 2 फ्लोर है काइंड ऑफ, पर मतलब इनका तो 1 फ्लोर ही उसके 2 फ्लोर के बराबर है। तो काफ़ी बड़ा एप्पल स्टोर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ा, भीड़ भी बहुत ज़्यादा, पता नहीं लोग क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे जाता हूँ, फटाफट पिकअप करता हूँ। एंड आज पूरे दिन बारिश की प्रेडिक्शन है। तो ये रहा ऑर्डर पिकअप वाला एरिया, यहाँ पे बोलता हूँ जाके। यहाँ पे सब लोग ऐसे दिख रहे हैं जो टैक्स बचाने के चक्कर में आए हुए हैं एप्पल का प्रोडक्ट लेने। तो यहाँ से उसने ऑर्डर कर दिया और वहाँ से कोई बंदा लेके आएगा। आ गया, आ गया मैकबुक। बताओ बैग के लिए 5 सेंट चार्ज कर रहा है। मैंने कहा नहीं चाहिए, 5 सेंट या 5 डॉलर पता नहीं कुछ तो चार्ज कर रहा था। मैं क्यों ऐसे ही लेके चलता हूँ। वाओ यार, आईफोन 14 जब आएगा 14 पे अपग्रेड करूँगा, अभी मैं 12 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा हूँ। जब घर जाऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊंगा, रात को घर जाऊंगा, अभी नहीं, आराम से पहली अनबॉक्सिंग वीडियो आना चाहिए। सो कंफर्मिंग मैकबुक प्रो 14 इंच एंड 16 GB मेमोरी, 512 SSD। सो फाइनली नाउ घर पे आ गया लैपटॉप एंड टाइम टू अनबॉक्स। तो मेरा वो पुराना वाला लैपटॉप अभी भी पड़ा है एंड दिस इज़ माई ऑफिस लैपटॉप एंड दिस इज़ द न्यू 14 इंच। तो अब करते हैं इसको अनबॉक्स। एप्पल की पैकिंग इज़ सो प्रीमियम एंड स्मूथ एट अनबॉक्सिंग। दूसरा फिर मैं तो ऐसी फाड़ दूंगा। बॉक्स बहुत सही होता है, एकदम टाइट फिटिंग, ऐसे खुला खुला खुला, खुल गया, वाओ। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। 14 इंच लैपटॉप एंड ये मेरा 13 इंच है। तो अगर साइज़ देखा जाए हल्का सा बड़ा है 14 इंच, यहाँ पर दिखा देता हूँ, हल्का सा बड़ा है 14 इंच है। अभी खोलते भी हैं एंड पहले कंटेंट देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। एक मैनुअल जो मैं कभी नहीं पढ़ूँगा, चार्जर, ये है 67 वाट्स का, पर मेरे पास 16 इंच लैपटॉप है तो ये 92 वाट्स का है, तो मैं वही यूज़ करूँगा, इसको यूज़ नहीं करूँगा, इसको एज़ इट इज़ रख देता हूँ। ओह एंड इंटरेस्टिंग, दोनों टाइप की केबल है। मेरा जो पुराना लैपटॉप था उसमें नहीं था, इसमें ये वाला पोर्ट भी है जो मैग्नेट वाला आता था पहले, एंड सी टाइप केबल भी है। इसको भी मैं रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास सी टाइप केबल तो है ही ऑलरेडी। तो ये एज इट इज ऐसे जाएगा एंड नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स द रियल थिंग। काफ़ी भारी है मेरे 13 इंच से कंपेयर किया जाए तो। इसको भी निकालते हैं, वाओ, पीछे लिखा है मैकबुक प्रो एंड अगर इसके देखा जाए तो कुछ भी नहीं है एंड ये काफ़ी भारी है इसके कंपैरिजन में, 13 इंच के भी कंपेयर किया जाए। एंड अगर साइज़ भी देखा जाए तो काफ़ी फैट है, फैट एज इन इसका जो मदरबोर्ड है काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 13 इंच काफ़ी स्लिम है। तो इस मामले में आई वुड रेट इट डाउन, बट आई थिंक क्योंकि M1 Pro है एंड देयर इज नो फैन इन इट तो मेक सेंस कि इसका साइज़ बड़ा ही होगा। इसे खोलते हैं
इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि जस्ट फिट बंदा होता है, जस्ट फिट बॉक्स होता है, तो इसे ओपन क्लोज में दिक्कत आ सकती है। एंड इसको ओपन करते हैं। वाओ, एंड फाइनली जो उसका ओरिजिनल कीबोर्ड आता था पहले मैक का, वो वापस आ गया। जो मेरे 13 इंच में था बिल्कुल फ्लैट कीज थी, आई डोंट नो उसको बोलते क्या हैं, बट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरे को यही वाला कीबोर्ड पसंद है। एंड ये मैंने ऐसे साइड बाय साइड रख दिया है, अभी ये सेटअप हो रहा है, तब तक इसको लॉग इन करके देखते हैं। एंड लेट्स सी हाउ स्मूथ द डेटा ट्रांसफर इज फ्रॉम दिस लैपटॉप टू दिस लैपटॉप। टू यूज इंग्लिश एज द मेन लैंग्वेज प्रेस द रिटर्न की। वाईफाई लॉग इन कर लेते हैं। अब आया रियल फ्रॉम मैक, ये मैं चूज करता हूँ। एंड इसमें पोर्ट्स भी देखे जाएं तो दो सी टाइप पोर्ट है, एक ऑक्स पोर्ट है, एंड ये मैग्नेट वाला चार्जिंग पोर्ट है। एंड इसमें यहाँ पे एक सी टाइप पोर्ट है एसडी कार्ड के लिए, एंड दिस इज़ द एचडीएमआई पोर्ट। तो पहले मैं ये बताता हूँ मेरा पुराने मैक की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस इज़ 13 इंच 2017 मॉडल एंड i5 प्रोसेसर 8GB रैम, और जो ये है दिस इज 16GB रैम एंड दिस इज 2021 मॉडल। में जो है अगर आप देखोगे तो सिर्फ दो सी टाइप पोर्ट्स ही हैं, एंड इसके राइट साइड में सिर्फ एक ऑक्स केबल है बस। तो ये रही मेरी चार्जिंग केबल, मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। तो एज यू कैन सी इट इज ट्राइंग टू लोड समथिंग, आई थिंक जो सेम वाईफाई पे मैक है उसको डिस्कवर करने की कोशिश करेगा। देखते हैं हाउ स्मूथ द प्रोसेस इज। तो दोस्तों मैंने एक मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, मैंने ओल्ड मैकबुक में एक एप्लीकेशन होती है माइग्रेशन असिस्टेंट, सो वो ओपन करनी होती है, एंड मैंने वो ओपन करी एंड ऑप्शन था ट्रांसफर टू अनदर मैक, तो मैंने वो चूज़ किया, तो अब जाके मेरा डिस्कवर हो रहा है यहाँ पे अवेंस मैकबुक प्रो। तो मैं ये चूज़ करता हूँ कंटिन्यू, सिलेक्टेड वाज क्रिएटेड, अपडेट कर देते हैं। एंड इट्स रिकमेंडेड जो टू एंड फ्रो ट्रांसफर हो रहा है दोनों मैक्स पावर पे हों, बट फिलहाल मेरा जिसमें ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ वही पावर पे है, जहाँ से ट्रांसफर हो रहा है वो मैंने अभी पावर पे नहीं लगाया हुआ क्योंकि मैं एक ही चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई एम टू लेजी टू प्लग इन टू अनदर चार्जर फॉर दिस मैक। एंड इसमें अभी 10 मिनट लगेंगे, तब तक एक सही ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखी जो इन्होंने बहुत इंप्रूव करी है, दैट इज़ द नॉच। दिस इज़ लाइक फुल स्क्रीन एक्सेप्ट फॉर द नॉच, यहाँ पे अगर तो दिख रहा होगा, मैं क्लोजली जाकर दिखाता हूँ ऐसे, ये तो ये ऐसे करके रेक्टेंगुलर यहाँ पे नॉच है फॉर द कैमरा, वेयर एज इन द 2017 मॉडल विदाउट M1 प्रो इसमें जो है ये पूरा जो है ये स्क्रीन का पार्ट नहीं है, स्क्रीन इज पैडेड बिकॉज ऑफ दिस, तो ये इम्प्रूवमेंट है। तो इसका अपडेट पेंडिंग था, तो अभी अपडेट फाइनली ख़त्म हुआ है, 20 मिनट लग गए एंड ये रिस्टार्ट हो रहा है अभी। तो फाइनली अपडेट होके वापस वही सेटअप चालू हो गया, एंड इट्स आस्किंग टू वेरीफाई द सेम कोड, तो सेम कोड है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। एंड पीयर टू पीयर लिखा हुआ है यहाँ पे अगर क्लोजली देखा जाए, तो देखते हैं कितना फास्ट होता ट्रांसफर है। तो ये कह रहा है एप्लीकेशंस, और जो मेरे रूट फोल्डर में था द डिवाइसेस एंड फोल्डर और सिस्टम नेटवर्क, ये सारा ट्रांसफर कर देगा। सो लेट्स सी, अभी साइज कैलकुलेट कर रहा है। सो फाइनली इसने सारी कैलकुलेशन कर ली है, तो मेरा 18 और 83 GB है एंड अदर फाइल्स एंड फोल्डर 6, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको पासवर्ड सेट करना है, तो मैं वही कर देता हूँ जो पासवर्ड इज ऑल सेट। इतना मज़ा आ रहा है ना इसमें अब टाइप करने में, ये वाला कीबोर्ड इतना स्मूथ है। फाइनली ट्रांसफर प्रोसेस हैज बिगन, लेट्स सी कितने टाइम में होता है। तो अभी हो रहे हैं रात के 8:50, लेट्स सी कितने टाइम में पूरा होता है। यार ये तो मजाक ही हो गया, अब बोल रहा है ये टोटल 12,000 फाइलों को ट्रांसफर करने में लगेंगे 18 घंटे एक दिन एट 12 Mbps स्पीड, क्या मजाक है। सो ओके, थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ, ये वापस से 7 hours हो गया है 18 घंटे से, तो आई थिंक मतलब टाइम एस्टिमेट इसका गलत था, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ एंड वापस आता हूँ, फिर देखते हैं क्या स्टेटस है इसका। आई थिंक अभी 2 घंटे से ऊपर हो गया एंड ये 4158.1.227 और ये आउट ऑफ सिंक हो चुका है, यहाँ पे बोल रहा है 5800.32 फाइल्स। तो इसको मैं अभी ओवरनाइट छोड़ने वाला हूँ, मे बी रात को कुछ हो जाए, लेकिन ठीक है वह ठीक है, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगा कल सुबह इसको।
तो अभी 12 घंटे हो चुके हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। मैंने दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था रात को, ये मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया तो सेम वहीं पर अटका रहा, सेम उतनी नंबर ऑफ फाइल्स पे। सो फाइनली जिस मोमेंट का इंतजार था, माइग्रेशन कंप्लीट हो गई। आई डोंट नो कितने टाइम में, क्योंकि मैं इसको चलते हुए छोड़ के चला गया था, तो अभी ये वापस मैंने पासवर्ड डाला है। इसकी बैटरी डाउन हो गई थी जो मेरा 13 इंच प्रो है, एंड जो 14 इंच प्रो है इसकी बैटरी बहुत सही है, मतलब 2 दिन से चल रहा है विदाउट चार्जर विदाउट प्लगिंग इन। मैंने थोड़ी देर 5 मिनट के लिए किया होगा, लेकिन बहुत सही चल रहा है तब से। एंड 14 इंच में मैंने अभी एप्पल आईडी साइन इन कर दिया, सिर्फ वो पूछ रहा था। एंड 13 इंच एज इट इज़ अभी माइग्रेशन के बाद, कोई डिफरेंस नहीं। एंड दिस इज इनसेन, मुझे यहाँ पे बैटरी दिख रही है पूरी ऑलमोस्ट 90%, मतलब पूरा दिन चालू है। आई थिंक नया है तो इसलिए है। तो अभी सब सेटअप वगैरह करता हूँ एंड फिर देखते हैं कि बैकअप कैसा हुआ है। दिस इज इनसेन बैकअप, मज़ा आ गया। मतलब जो मेरे क्रोम में टैब्स भी खुले होते हैं, मैं सोच नहीं रहा था कि वो भी आएंगे, लेकिन वो भी आ गए, बहुत ही सही मज़ा आ गया। एंड जो मेरे डेस्कटॉप पे थे वो भी है, एंड जो मेरी एग्जैक्ट सेम, अगर इस पे देखोगे तो मेरी एग्जैक्ट सेम मेन्यू जो डॉक बार पे आइकन्स हैं वो सारे एग्जैक्टली सेम है। एंड लेट्स चेक कि जो मेरे पास डाउनलोड्स में था, इधर यहाँ पे डाउनलोड्स में क्या वो है, बहुत ही सही मज़ा ही आ गया, काफ़ी सही बैकअप ट्रांसफ़र हुआ है। तो आई थिंक इसको फैक्ट्री रीसेट कर दूंगा मैं कल तक, एंड इसको अभी टेस्ट करता हूँ। एंड अगर दोनों लैपटॉप्स के कैमरा क्वालिटी की कंपैरिजन किया जाए तो मैसिव डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। मतलब यहाँ पे पिक्सल ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं अगर क्लोजली देखूँ तो, एंड यहाँ पे 1080p वीडियो है सीधा, एंड बहुत सही क्लियर वीडियो है। वॉच की बात कर रहा था तो इफ़ यू केयरफुली सी जो इसका टॉप मेन्यू बार है, ये इसका पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई कर रहा है एक्सेप्ट फॉर द नॉच। एंड जो 13 इंच है उसमें ये पूरा का पूरा पैडिंग जो है ये यूजलेस है, यहाँ पे बस वेस्ट हो रही है पूरी स्क्रीन। तो एक्चुअली ये 14 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा साइज दे रहा है फॉर द डिस्प्ले, विच इज़ गुड। एंड मैं इसकी 3 फिंगर स्क्रोलिंग भी देख रहा हूँ दोनों लैपटॉप्स की, तो डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है। इसकी थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट एंड इसकी थोड़ी सी ज़्यादा स्मूद है, एंड बाकी सारे जेस्टर्स इसने सेम कॉपी कर लिए हैं, क्योंकि मैंने जो बैकअप लिया था एग्जैक्ट सेम सेटिंग सब कुछ कॉपी कर लिया है। और सारी फाइल्स मैंने देख लिए ट्रांसफर हो गए हैं एक्सेप्ट फॉर आई क्लाउड के लिए मुझे अलग से साइन इन करना पड़ा, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है, विच इज़ इनसेन। तो अभी बात करी जाए कि मैं इस लैपटॉप का क्या करूँगा। सो दिस इज 13 इंच, एंड ये मैंने ख़रीदा था जब मैं मास्टर्स करने यहाँ पे आया था, दैट वॉज इन 2019 ऑफ ऑगस्ट, अराउंड $1300। एंड मैं इसको या तो ट्रेड इन कर सकता था थ्रू एप्पल, या फिर मैं अपने पास रख सकता हूँ, या फिर मैं इसको सेल कर सकता हूँ लाइक फेसबुक मार्केट प्लेस या और थर्ड पार्टी ऐप्स पे। तो आई थिंक ट्रेड इन करने पे इसकी वैल्यू अभी आ रही है $240, विच इज़ नथिंग। तो मैं सोचा या तो इसको किसी को दे दूँ जो मेरे से ज़्यादा जो नीडफुल है, इसको लैपटॉप की ज़रूरत है, या फिर मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पर भेज लूँ। मैं फॉर श्योर 240 से ज़्यादा तो आराम से भेज दूँगा। सो आई डिसाइडेड नॉट टू ट्रेड इन दिस लैपटॉप एंड कीप बोथ ऑफ देम विद मी फॉर नाउ अंटिल आई गेट अ गुड बायर फॉर दिस लैपटॉप। एंड जो मेरा 13 इंच है इसके मैं कॉन्फ़िगरेशन पहले बता चुका हूँ, i5 8GB, और जो 14 इंच है इसकी कॉन्फ़िग अभी खोल के वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। मैक ओएस वर्जन सेम है, 14 इंच है, एंड दिस इज 2021 मॉडल, एंड दिस वॉज 2017 मॉडल। एंड चिप यहाँ दिख रही है M1 Pro, यहाँ पे इंटेल कोर i5 है। अभी M2 रिलीज हो चुकी है पर अभी अवेलेबिलिटी नहीं थी, एंड 13 इंच पे ही अवेलेबिलिटी है, मेरे को 13 से बड़ा साइज चाहिए था। एंड मेमोरी इज डेफिनेटली डबल 16GB, एंड डिस्क का साइज पता नहीं क्यों लिखा नहीं आ रहा, जबकि 512GB है, जो कि आई थिंक डिस्क यूटिलिटी अगर मैं खोलूँ तो वहाँ विजिबल होना चाहिए। तो ये खुल गया, एंड यहाँ पे फ्री आ रही है 348GB, इसने 144GB ऑलरेडी यूज़ करी है मेरी फाइल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सब मिला के। एंड लेट्स चेक इसमें कितना यूज़ था ऑलरेडी, इसमें 186 यूज़ था। तो आई थिंक कैश मे बी 40GB का कैश एक्स्ट्रा होगा इसमें, वो कॉपी नहीं हुआ है, बाकी 180GB एंड OS ऑलमोस्ट सेम आई थिंक ऑक्यूपाई कर रहा है। कैपेसिटी यहाँ दिख सकती है इसकी 256GB थी, एंड इसकी 494 अराउंड 512, क्योंकि कुछ रिजर्व्ड रहती है फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इसमें, कीबोर्ड की बैक लिट ऊपर नीचे करने के लिए बटन नहीं है, मुझे हमेशा यहाँ डॉक सेंटर में जाके ये मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड क्रोम का भी काफ़ी सही माइग्रेशन है, सारा जो ऑलरेडी लॉग्ड इन सेशंस थे मेरा पूरा का पूरा सेशन माइग्रेट हो गया यहाँ पे, विच इज़ इनसेनली कूल। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कॉस्ट की, कि मेरे को ये कितने में पड़ा, एंड आप अगर आप US से लोगे तो आपको कितने का पड़ेगा। एंड मैकबुक प्रो करूँ तो मैंने चूज़ किया था 14 इंच, एंड दिस इज़ द वन आई चोज, जो कि है 1999 का,
अगर मैं सिलेक्ट करूँ एंड मैंने कुछ इसमें एडिशनली लिया जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स थी 16GB 512 स्टेज स्टोरेज 67 वाला अडेप्टर नन एंड मैंने बैकलिट कीबोर्ड लिया था ये सॉरी इंग्लिश वाला तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता एंड मेरे पास फाइनल कट प्रो ऑलरेडी है तो मैंने ये नहीं लिया एंड इसमें टच बार नहीं है एक और चीज़ बता दूँ इस कीबोर्ड में तो ये अगर आप ऐड करोगे तो दिस विल बी एक बार रिव्यू कर लेते हैं कॉस्ट कितने का पड़ेगा सॉरी एक ही करना है तो 1999 $2,000 शिपिंग फ्री है एंड अगर मैं इसको सपोज आप अगर वाशिंगटन स्टेट में मंगा रहे हो या फिर तो फिर $204 का टैक्स लग रहा है एंड अगर मैं सपोज कैलिफोर्निया का एक प्रोमो कैलिफोर्निया का एक जिप कोड यूज़ करता हूँ तो $189 and $4 रिसाइकलिंग फीस ऑलमोस्ट $200 तब भी टैक्स लग रहा है तो मेरे को कितने में पड़ा मैं बताता हूँ तो अब आपको पड़ेगा 2192 अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर करोगे इन द US तो अगर इसको कन्वर्ट करें 2192 USD टू INR तो दिस विल बी 170,000 रुपीज इन इंडियन रुपी लेकिन ये मेरे को पड़ा 1699 USD टू INR 1699 USD में दैट इज 1,32,000 सो ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज की सेविंग्स एंड 35,000 रुपीज टू INR सॉरी टू USD करूँ तो 449 US dollars की सेविंग करी मैंने वो कैसे करी क्योंकि मैंने दो चीज़ें करी पहले तो मैंने इसको ना सियाटल में शिप किया ना मैंने कैलिफोर्निया में शिप किया मैं इसको लेके आया पोर्टलैंड से विच यू सॉ अर्लियर वहाँ पे सेल्स टैक्स नहीं है तो अगर आप 1999 का लैपटॉप लेते हो वहाँ पे तो आपको 1999 का ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये जो एडिशनल टैक्स जुड़ रहा है ये जीरो होगा उस जिप कोड के लिए तो इफ योर फ्रेंड लिव्स देयर यू कैन शिप आइदर टू देयर होम और यू कैन गो ट्रैवल देयर एंड पिक इट अप फ्रॉम द एप्पल स्टोर तो मैंने पिकअप किया एप्पल स्टोर से एंड मेरे को 1699 का कैसे पड़ा क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर किया था थ्रू एन एप्पल एम्प्लॉय यू गेट 15% डिस्काउंट तो अगर मैं इसको करूँ 1999 15% डिस्काउंट हो जाएगा मेरे को 85% ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी तो वो हो जाएगी 1699.15 और ये कॉस्ट कैलकुलेट होती है लैपटॉप के कॉस्ट पर टैक्स पे नहीं तो 1699.15 एंड प्लस एडिशनल जीरो टैक्स तो मेरे को पड़ा 1699 का सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप पेइंग 1700 US dollars फॉर दिस लैपटॉप विच वुड कॉस्ट यू अराउंड 2192 इफ यू ऑर्डर इन कैलिफोर्निया सेल्स टैक्स न्यूयॉर्क और इवन इन मैसाच्यूसेट्स पेंसिल्वेनिया ऊपर नीचे होता है सेल्स टैक्स बट सेल्स टैक्स है जीरो नहीं है कहीं भी तो मैंने अभी अच्छे से इसको यूज़ करके देखा इसमें वीडियो एडिटिंग करके देखी काफ़ी सही है बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस नहीं है 13 inch एंड 14 inch में परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस नहीं है मेरे को कंपेरेबल लगे बट ये मेरा लैपटॉप 4 साल पुराना हो चुका था एंड मेरे को थोड़ा सा स्क्रीन क्रैक हो रही थी तो मेरे को अपग्रेड करना था एंड मेरे को फ़ैन की बहुत दिक्कत लगती है मेरे को फ़ैन नहीं चाहिए होता लैपटॉप में फ़ैन बहुत आवाज़ करता है एंड इसमें एक एडवांटेज है फ़ैन नहीं है तो मेरे को वो बहुत सही लगता है क्योंकि धुएं उठते रहते हैं लैपटॉप से मेरे को वो अच्छा नहीं लगता तो दैट्स वाई आई रियली लाइक दिस लैपटॉप सो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको एंड डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू मेक मी मोर रिव्यू वीडियोज़ लाइक दिस एंड अगर दोनों का डिस्प्ले मैं कंपेयर करूँ तो 13 inch 14 inch एक्सपीरियंस इज ऑलवेज बेटर बिगर स्क्रीन इज ऑलवेज बेटर आई थिंक कलर्स भी मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं और बस सिर्फ मेरे को थोड़ा सा पिक्सलेटेड दिख रहा है 13 inch एक्सेप्ट फॉर द 14 inch ये हो गई वीडियो क्वालिटी एक बार साउंड क्वालिटी भी कंपेयर कर लेते हैं द 13 inch का वॉइस मैं फुल कर देता हूँ अब 14 inch का वॉइस देखते हैं इसका मैं फुल कर देता हूँ आई थिंक इसका बेस लाउडर है जो मेरे को सुनने में लगा हो सकता है कैमरा इज नॉट आईफोन में जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो जस्टिस ना कर पाए बट मेरे को जो लगा इसमें बेस बेटर है एंड लाउड वॉल्यूम पे इसका स्पीकर थोड़ा सा फटता है इसका स्पीकर फिर थोड़ा स्टेबलाइज्ड है दैट्स व्हाट आई फील बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस नहीं है ऐसा नहीं है कि मेरे को जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है तो डिस्प्ले प्लस साउंड द 14 inch इज द विनर बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट नहीं है सिर्फ प्रोसेसिंग में मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखी थोड़ी सी वो भी फिलहाल अभी मे बी 1 year down the lane
क्योंकि जब M1 Pro नया नया आया था तब सपोर्ट नहीं था किसी चीज़ का, कुछ नहीं था, एंड अब सपोर्ट हर चीज़ का आ चुका है. इट्स सेट कि इसकी प्रोसेसिंग बेटर है देन 13 इंच, ऑब्वियसली बेटर ही होगी, बट आई थिंक मैसिव फ़र्क नहीं है. अगर ये 1300 का था, ये 2000 का है, तो बहुत $700 में बहुत रेवोल्यूशनरी कुछ इन्होंने नहीं किया. आई फील सिर्फ और सिर्फ आई थिंक फैन एलिमिनेट कर दिया, विच इज़ प्रीटी कूल, बट इन्होंने जो साइज़ है ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा थिक हो गया है. क्योंकि इसको मैं लैप में रखूँगा एंड इसको लैप में रखूँगा, बहुत ज़्यादा बल्की है ये वाला एज कम्पेयर टू 13 इंच. एंड कीबोर्ड हाँ इसका बेटर है ऑब्वियसली, ये कीबोर्ड मेरे को वाहियात लगा था, पता नहीं क्यों किया था एप्पल में वापस इन्होंने रिवर्ट कर दिया इस वाले कीबोर्ड पे. एंड ये बहुत अच्छी चीज़ करी एप्पल ने कि HDMI पोर्ट का एक स्लॉट दे दिया यहाँ पे, मेरे को कन्वर्टर की जरूरत नहीं है HDMI लगाने के लिए. अब जो 13 इंच है उसमें सिर्फ और सिर्फ सी टाइप के दो पोर्ट है और एक ऑक्सिलरी पोर्ट है, इसमें सिर्फ एक HDMI, एक सी टाइप एंड दो सी टाइप उधर. मैं इधर दिखाऊं तो दो सी टाइप इधर एंड ऑक्स केबल जो हेडफोन वाली वायर उसका एंड मैग्नेटिक चार्जर. एंड मैं अभी फाइनल कट प्रो पे ये वीडियो एडिट कर रहा था, तो मतलब मैसिव डिफरेंस है इसमें और 13 इंच में. सो एटलीस्ट जो लिटरली मेरे को 3 times less time लग थे करने में, इतनी फास्ट रेंडरिंग है इसमें, बहुत मज़ा आ गया.